बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और कामयाब करें। अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर कैटेगरी का एक अगला डिसऑर्डर जो है वो है डिस इनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर। कल जो है वो हमने रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर पढ़ा था। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर और ट्रॉमा डिस इनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर जो है वो तकरीबन जो है वो मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट का फर्क है। बाकी जो है वो दोनों एक ही कैटेगरी से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका, उसके बाद जो है वो हम रीड आउट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, नोट्स को। पहले कॉन्सेप्ट बता दें कि सपोज फर्ज करें, आपने देखा होगा कि आप अपने बच्चों को जो है वो मना करते हैं कि वो बाहर जाके दूसरे लोगों के साथ ना फिरे, बड़े बच्चों के साथ जो है वो मेल मिलाप ना करे, ना बैठे। हम अक्सर रोकते हैं ना, हम जो सुलझे हुए लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अक्सर अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालते और उन अपने बच्चों को इजाजत नहीं देते कि वो बाहर जाके गली में बड़े लड़कों के साथ बैठे या उनके साथ गपशप करें या यारी दोस्ती लगाएं। हम हमेशा इस चीजों को जो है वो डिस्करेज करते हैं। लेकिन सपोज करें कि किसी का बच्चा ऐसा है जो जिसको मना किया गया है और वो मना नहीं होता, बल्कि वो बड़े लड़कों के साथ दोस्तियां करता है और इस तरह के काम करता है जो सोशली इनअप्रोप्रिएट है, कल्चरली जो है वो फिट इन नहीं बैठते हमारे कल्चर के मुताबिक, ठीक है? तो ऐसे बच्चे को फिर हम क्या कहेंगे? डिस इनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट, ठीक है? उसका बिहेवियर जो होगा वो डिस इनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट होगा। डिस इनहिबिटेड जो होता है वो बेसिकली, पहले एक लफज है, टर्म को याद रखें, इनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट। इनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट का मतलब ये है कि सोशल ताल्लुकात को इनहिबिट करना, रोकना। आप अपने बच्चे को बाहर जाने की इजाजत नहीं देते और उसको कहते हैं कि आपने भी बड़े लड़कों के साथ नहीं बाहर बैठना, इसका मतलब ये है कि जो बड़े लड़कों के साथ बैठना है, अडल्ट्स के साथ बैठना है बच्चों का, इनअप्रोप्रिएट हरकतें करनी है, सोशली कल्चरली जो है वो इनअप्रोप्रिएट हरकतें वो करनी है, वो सोशल इंगेजमेंट है उनके, उनके बड़ों के साथ ताल्लुकात को हम कहते हैं सोशल इंगेजमेंट। इनहिबिटेड का मतलब होता है रोकना। हम सोशल इंगेजमेंट को रोकते हैं कि हमारे बच्चे बड़े लड़कों के साथ बाहर ना बैठे। अब मसला कब होता है? जब डिस का वर्ड साथ लग जाता है इनहिबिटेड के, यानी डिस इनहिबिटेड मीन वो रुकते नहीं, वो मना नहीं होते। डिस इनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट, जब हमारे बच्चे बड़े लड़कों के साथ ताल्लुकात बनाने से, जिस चीज को हमने मना किया होता है वो, यानी ताल्लुकात बनाने से मना किया होता है, इनहिबिट किया होता है, वो उसको डिस इनहिबिट कर देते हैं, वो नहीं रुकते और बड़े लड़कों के साथ बाहर, बड़े आदमियों के साथ, अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात बना लेते हैं। और जब ये ताल्लुकात जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाए, बच्चे की और आपकी लाइफ को इफेक्ट करना शुरू कर दें, उसकी पढ़ाई को इफेक्ट करना शुरू कर दें, उसकी एकेडमिक्स को इफेक्ट करना शुरू कर दें, उसकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करना शुरू कर दें, तो फिर हम इसको कहते हैं डिसऑर्डर। यानी जब ये डिस इनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट जो है वो उसका एक ऐसे बड़े लड़कों के साथ जिसको आपने रोका था वो नहीं रुका, और उस ना रुकने की वजह से जो ताल्लुकात बनते हैं वो जब इंसान की, बच्चे की जिंदगी को मुतासर करना शुरू कर दें, तो फिर हम कहेंगे, हम उस पेशेंट को, उस बच्चे को हम डिस इनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर डायग्नोज करें। ठीक हो गया जी, ये था आपका कॉन्सेप्ट, बेसिकली डिस इनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ कि जब भी आपने कोई डिसऑर्डर पढ़ना है, कोई भी टर्म देखनी है, 80-85 टर्म्स ऐसी हैं, परसेंट टर्म्स ऐसी हैं जिनका कॉन्सेप्ट, जिनका मतलब उनके उनके नाम में शो हो जाता है। जिस तरह डिस इनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर है, बेसिकली आप नीचे पूरा क्राइटेरिया ना भी पढ़े, अगर आपको ऊपर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि नीचे लिखा क्या हुआ। ये जो मैंने दो सफे लिखे हैं इसमें लिखा क्या हुआ है, बेसिकली वो उसके टर्म के नाम से ही आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम नीचे रीड आउट शुरू करते हैं अपने नोट्स को पढ़ना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस इनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर अकर इन चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस्ड सीवियर सोशल निगलेक्ट और डेप्रिवेशन बिफोर द एज ऑफ 2। यानी वो बच्चे 2 साल से पहले
उम्र 2 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले वो बच्चे जो सोशल निग्लेक्ट और डेप्रिवेशन का शिकार होते हैं, मसलन उनको जो है वो कोई लिफ्ट नहीं करवाता, उनको कोई टाइम नहीं देता माँ बाप में से या रिश्तेदारों में से, या उनको कोई पूछता नहीं है, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। सिमिलर टू रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, इट कैन अकर व्हेन चिल्ड्रन लैक द बेसिक इमोशनल नीड्स ऑफ कंफर्ट, स्टिमुलेशन एंड इफेक्ट। जिस तरह रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर जो हमने कल पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि बच्चों में मसला कब होता है, कब वो अटैचमेंट नहीं वालदैन के साथ बनाते, जब वालदैन जो है वो उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं करते, उनको कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करते, उनको टाइम नहीं देते, उनके साथ प्यार मोहब्बत नहीं करते, उनके साथ खेलते नहीं, उनकी जरूरतें पूरी नहीं करते। तो इसी तरह जो डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर है इसमें भी वो बच्चे जो है इसका शिकार होते हैं जिनके वालदैन उनकी जरूरियात को पूरा नहीं करते, इसके अलावा उनको टाइम नहीं देते, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, उनको अपना फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, उनकी फिजिकल जरूरियात को पूरा नहीं करते, तो वो बच्चे भी जो है वो डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर इन्वॉल्व अ चाइल्ड एंगेजिंग इन ओवरली फैमिलियर और कल्चरली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर विद अनफैमिलियर एडल्ट्स। For example, the child may be willing to go off with an unfamiliar adult with minimal or no hesitation. Social engagement disorder जो है, disinhibited social engagement disorder जो है, इसमें बच्चा जो है वो इस तरह के unfamiliar adults जो हैं, जो मैंने आपको पहले concept में बताया, जो unfamiliar लोग, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं जिनको बच्चा सही से जान भी नहीं रहा होता, उनके साथ जो है वो यारी दोस्ती लगा लेता है, बाहर चला जाता है, जिस तरह जो है वो without any hesitation, with minimal risk जो है, with minimal relationship जो है वो उसके साथ, hesitation जो उसके साथ जो है वो बाहर चला जाता है। अच्छा, these behaviors cause problems in child's ability to relate to adults or peers। ये जो चीजें होती हैं basically, ये फिर बच्चे के जो adults के साथ और peers के साथ ताल्लुकात में जो है वो problem, उसकी ability में जो है वो problem create करती है। Moving the child to a normal caregiving environment improves the symptoms. However, even after placement in the positive environment, some children continue to have symptoms through adolescence. अब होता क्या है basically, इस तरह के जो disinhibited social engagement disorder का शिकार जो बच्चे होते हैं, उनको अगर आप normal माहौल provide भी कर दें, जिस तरह हमने पहले discuss किया कि ये disorder क्यों होता है, क्योंकि वालदैन जो है जब बच्चे को time नहीं देते, उनकी जरूरियात को पूरा नहीं करते, उनको फिजिकल टाइमिंग नहीं देते, उनको इमोशनल हेल्पिंग नहीं देते, उनको टच नहीं करते, उनको प्यार नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते, उनकी जरूरियात को टाइम पे पूरा नहीं करते, तो ये मसला होता है। अब होता क्या है, सम टाइम जब ये सारी सहूलियात जो है, ये सारी चीजें जो है, ये बच्चे को आप इस इन्वायरमेंट में ले आए, ये प्रोवाइड कर दें, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो ठीक हो जाते हैं, यानी वो उनका जो डायग्नोसिस है वो रिमूव हो जाता है, उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है, वो अपनी जो आदतें होती हैं इनहिबिटेड डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर वाली जो सिम्टम्स होती हैं वो उनकी खत्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बावजूद इसके कि उनको ये तमाम चीजें जो है ये प्रोवाइड कर दी जाए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए, वालदैन उनको टाइम देना शुरू कर दें, लेकिन वो फिर भी उनकी सिम्टम जो है वो जवानी तक या एडोलिसेंस के पीरियड तक जो है, या यंग एडल्टहुड तक जो है वो बरकरार रहती है। डेवलपमेंटल डिले स्पेशली कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डिलेज मे को अकर अलोंग विद दिस डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल डिले या लैंग्वेज डिले जो है वो इस डिसऑर्डर के साथ साथ जो है वो हो सकता है, को अकरेंस उसकी हो सकती है। को अकरेंस का मतलब होता है एक ही टाइम में ये सारी चीजें जो है वो होना, तो ये हो सकता है। द प्रेवलेंस ऑफ डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर इज अननोन। इसकी प्रेवलेंस तो अननाउन है, पता नहीं है कि ये कितने फीसद पॉपुलेशन में पाया जाता है, जिस तरह हम कहते हैं 1,000 में से 2 लोगों में, 1,000 में से 4 लोगों में, अभी इसकी प्रेवलेंस जो है वो अननाउन है। बहरहाल ये काफी रेयर है, बट इट इज थॉट टू बी रेयर, ये काफी रेयर है, बहुत कम जो है वो बच्चों में ये डिसऑर्डर जो है वो पाया जाता है। एग्जैक्ट इसकी प्रेवलेंस का नहीं पता, लेकिन बहुत कम बच्चों में ये जो डिसऑर्डर है ये पाया जाता है। तो ये था हमारा जिस disinhibited social engagement disorder।
अगर इसके बारे में कोई क्यूरी है, अगर इसके बारे में कोई आपको चीज समझ नहीं आ रही, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके नॉलेज में इस लेक्चर ने इजाफा किया है, तो वीडियो को लाइक काइंडली लाजमी कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोस लेके आपकी खिदमत में आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।